Assalamualaikum students, welcome to Ariflanker classes. I hope कि बेटा आप सब ठीक होंगे। जो हमारा आज का वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है और आपका सवाल होगा सर ये वाला वीडियो स्पेशल क्यों होने वाला है? क्योंकि बेटा आज के इस वाले वीडियो में हम क्लास 10th आरडी शर्मा से एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके NTSCN ओलंपियड लेवल में भी आ सकता है और जो खासकर CBSE बोर्ड जो है उनका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है क्लास 10th का उस पे भी ये आराम से ये वाला क्वेश्चन आ सकता है बेटा। आराम से सवाल को समझ लेना बेटा। और हमेशा एक बात मैं आपसे कहता हूं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल Ariflanker क्लासेस एंड डू शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कुड आल्सो गेट द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी दिस ब्यूटीफुल वीडियो इन देयर होम्स बेटा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आरडी शर्मा से लिया गया है। सवाल क्या बता रहा है? ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर। एक मॉर्निंग वॉक हो रहा है और उस मॉर्निंग वॉक में 3 पर्सन है और वो स्टार्ट कर रहे हैं सेम पॉइंट से, सेम पोजिशन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एंड योर स्टेप्स मेजर, स्टेप्स का मतलब है कदम, जो उनके कदम है। ए का कदम जो है वह 40 सेंटीमीटर, दूसरे का कदम जो है वह 42 सेंटीमीटर, तीसरे का कदम जो है वह 45 सेंटीमीटर रेस्पेक्टली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ई शुड कवर? सबसे मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम का मतलब है कम से कम डिस्टेंस जो तीनों कवर कर लेंगे। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ई शुड कवर सो दैट दे कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन द कंप्लीट स्टेप्स, सो दैट वो वाली डिस्टेंस जो वो कवर कर लेंगे वो कंप्लीट स्टेप्स में। सर इस चीज का क्या मतलब है कंप्लीट स्टेप्स? कंप्लीट स्टेप्स का मतलब है पूरा कदम, मतलब जितने फॉर एग्जाम्पल कदम है कोई, कुछ डिस्टेंस कवर हो रही है 10 कदम में, ऐसा नहीं होना चाहिए 9.5 कदम में, ऐसा नहीं होना चाहिए 10.3 कदम में, ये होना चाहिए एग्जैक्टली 10 डिसिमल्स में, नहीं ये नहीं आधा वाधा कुछ होना चाहिए। अगर डिस्टेंस 10 कदमों में कवर हो रही है तो बराबर 10, 9.8 नहीं, 9.2 नहीं, 10.1 नहीं, बराबर एक्यूरेटली 10 ही होना चाहिए, कंप्लीट स्टेप्स होने चाहिए, ठीक है बेटा, शाबाश। अब आपका सवाल होगा सर क्या हम ये स्टेप, ये सवाल क्या हम एलसीएम से कर लेंगे? सर क्या हम ये सवाल एससीएफ से कर लेंगे? और आधे ऐसा गोटा भी याद रखते दिमाग में, क्लियर कर लो इस चीज को। सर यहां पर लिखा हुआ है ना मिनिमम, बस 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 सर आ गया समझ, आपको अब समझाने की जरूरत नहीं है। सर मिनिमम का मतलब ये एलसीएम निकालना है, अगर मैक्सिमम होता तो एससीएफ निकालते, ये आधों की कंफ्यूजन होती है बेटा। जब Ariflanker आपके पास आता है ना विथ कॉन्सेप्ट, वो यही चाहता है कि पूरे इस कश्मीर की धरती पर एक कॉन्सेप्चुअल रिवॉल्यूशन आ जाए, सो दैट कि कोई भी बच्चा जो मैथ को ऐसे ना ले ले कि जैसे कि ये याद करना है। ट्राई टू डू मैथमेटिक्स इन सच अ वे, एक ऐसा कि आप पूरे कश्मीर में एक कॉन्सेप्चुअल रिवॉल्यूशन लाओ इस मैथमेटिक्स में, इसको डरो मत मैथमेटिक्स से, ट्राई टू मेक मैथमेटिक्स एज इजी एज यू कैन मेक इट, आराम से समझना। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, सर अब समझाए एलसीएम एससीएफ, समझो बेटा क्लास 6 से हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, एलसीएम जितने भी नंबर्स का आप निकालते हो वो एलसीएम हमेशा होता है या तो उन नंबर्स के इक्वल या तो उन नंबर्स से ज्यादा हो सकता है, कम बेटा नहीं हो सकता है। और एक बार इस पॉइंट को रिपीट करूंगा, एलसीएम जितने भी नंबर्स का आप निकालते हो वो हमेशा या तो उन नंबर्स के बराबर हो सकता है या वो उनसे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। लेकिन एससीएफ जिन नंबर्स का आप निकालते हो या तो वो उनके बराबर भी हो सकता है या तो वो उनसे कम हो सकता है, वो उनके बराबर नहीं हो सकता, वो उनसे ज्यादा नहीं हो सकता है, वो हमेशा या तो उनके बराबर या उनके कम हो सकता है। अब सवाल समझो क्या है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ई शुड कवर सो दैट दे कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन द कंप्लीट स्टेप्स। हमको डिस्टेंस निकालनी है, मिनिमम डिस्टेंस, अगर मैं एससीएफ निकालूंगा एसीएफ से जो मुझे आंसर निकलेगा वो इन तीनों से या तो बराबर होगा या छोटा होगा, क्या इसका मतलब ये है कि एसीएफ से फॉर एग्जांपल मुझे कोई आंसर निकलेगा और वो इन तीनों नंबरों से छोटा होगा, इसका मतलब इन्होंने उतनी डिस्टेंस कवर की हुई होगी जो कदम से भी छोटा हो? क्या इन्होंने उतनी डिस्टेंस कवर की होगी जो उनके एक कदम डालने, जो कदम का जो मेजरमेंट है उससे भी छोटा हो? इज इट पॉसिबल? नो 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 बेटा, ये पॉसिबल नहीं है।
इसका मतलब है आप इस वाले क्वेश्चन में एचसीएफ यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि एचसीएफ से जो आपका आंसर आने वाला है फॉर एग्जांपल वो कम आ जाए तो इसका मतलब यह है कि जितनी डिस्टेंस आपका वो इनकी जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो उनके कदम से भी छोटी होगी, ये बेटा पॉसिबल नहीं है, ये प्रॉपर्टी है बेटा एचसीएफ की। तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए यानी एक ऐसा मिनिमम नंबर आपको पूरी दुनिया का एक ऐसा सबसे छोटा नंबर आपको बेटा निकालना है जो इन तीनों का मल्टीपल हो, यानी जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, जो इन तीनों से इन दोनों को टेबल में जो आए सबसे छोटा नंबर। तो हम इस चीज के लिए क्या कर लेंगे, हम बेटा इस वाले सवाल के लिए एलसीएम निकालेंगे। तो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में भी दिखाऊंगा कि अगर ये सपोज आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आ जाए तो वहां पर कैसे करना है। आप बोलोगे मेजरमेंट ऑफ स्टेप ऑफ फर्स्ट पर्सन, मेजरमेंट ऑफ द स्टेप ऑफ फर्स्ट पर्सन, पहले वाले पर्सन का जो मेजरमेंट उसका स्टेप का है वो कितना है 40 सेंटीमीटर। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ स्टेप ऑफ सेकंड पर्सन वो कितना आ जाएगा, वो है दिया हुआ 42 सेंटीमीटर। मेजरमेंट ऑफ स्टेप ऑफ थर्ड पर्सन वो किसके बराबर होगा, वो होगा बेटा 45 सेंटीमीटर के बराबर। अब आपको क्या निकाल ली मिनिमम डिस्टेंस, अब वहां पर लिख लोगे भी इन ऑर्डर टू फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ए शुड कवर सो दैट दे कवर द सेम डिस्टेंस इन द कंप्लीट स्टेप्स, फॉर दैट वी आर गोइंग टू फाइंड द एलसीएम। इसके लिए हम एलसीएम निकालेंगे, आप इकट्ठे भी निकाल सकते हो तीन नंबर का, अलग अलग भी निकाल सकते हो बेटा। सबसे पहले 40 का 2 2s are 4 2 0s are 0 2 1s are 2 2 0s are 0 2 5s are 10 5 1s are 5 इसका मतलब है 40 है बराबर 2 into 2 into 2 into 5 इसके बाद है बेटा आपका 42 2 2s are 4 2 1s are 2 3 7s are 20 1 7 1s are 7 42 बराबर है 2 into 3 into 7 लास्ट का है बेटा आपका 45 3 1s are 3 3 5s are 15 3 5s are 15 5 1s are 5 यानी 45 है आपका बराबर 3 into 3 into 5। इसके बाद कॉमन एलसीएम अगर दो में भी कॉमन निकलेगा वो भी हम ले सकते हैं। ये निकला कॉमन बेटा यहां पर 2, ये निकला बेटा यहां पर कॉमन 3, ये निकला बेटा यहां पर कॉमन 5। अब बोलोगे देयरफॉर एलसीएम ऑफ 40, 42, 45 इज इक्वल इन दो में से एक दो 2 into 2 into 5 1 5 into 3 into 3 into 7 ये निकलेगा 2s are 4 4 2s are 8 8 5s are 40 40 into 3 हो गया बेटा आपका 120 और ये हो गया आपका 3 into 7 ये हो गया आपका 3 into 7 ये हो गया बेटा आपका 7 0 7 6 are 42 7 3 are 21 ये हो गया 2520 सेंटीमीटर्स। यानी मिनिमम डिस्टेंस जो ये कवर करने जाएंगे सो दैट कि इनकी जो पूरी डिस्टेंस हो वो कंप्लीट स्टेप्स में कवर हो जाए, वो कितनी डिस्टेंस है 2520। सर क्या मतलब कंप्लीट स्टेप्स, देखो बेटा अगर अब आप आपको एक यहां पर एक आपको मैं क्रॉस चेक भी कराऊंगा, देखो बेटा क्या आई होप कि पहले आपने इस चीज का स्क्रीनशॉट उठाया हुआ होगा, देखो मैं आपको समझाऊंगा क्या मतलब। सपोज अगर मैं आप इसी 2520 को 40 से डिवाइड कर लूंगा, अब देखो वहां से पॉइंट में मतलब आंसर निकलेगा, देखो 2520 डिवाइड बाय 40 00 कैसे, ये वेरिफिकेशन पार्ट है 4 1s are 4 4 6s are 24 1 4 3s are 12 इसका मतलब 63 परफेक्ट नंबर। इसका मतलब ये है कि पहला वाला पर्सन जो है वो कितने स्टेप्स में इतने डिस्टेंस कंप्लीट कर रहा है, वो 63 स्टेप्स में कंप्लीट कर रहा है। डेसिमल में मतलब निकला, पॉइंट से मता निकला, वो पूरा कंप्लीट 63 स्टेप्स है। सिमिलरली 2520 डिवाइड बाय 42 दूसरा वाला वो हो गया 2s are 4 2 1s are 2 2 1s are 2 2 6s are 12 2 0s are 0 3 7s are 21 3 4s are 12 3 2s are 6 3 0s are 0 7 1s are 7 7 go। दूसरा वाला पर्सन पूरे 60 स्टेप्स पे कंप्लीट कर रहा है, कुछ पॉइंट वाइज मता निकला। अबे तीसरा वाला 45 2520 डिवाइड बाय 45 5 9s are 45 5 4s are 20 5 8s are 40 5 4s are 20 तो
ये कितना हो गया आपका, 5 9 45, 5 4 20, ये हो गया बेटा आपका 4 42, 5 8 42, 40 और 20, 5 4 20, ठीक, 12 14 15 16, 9 1 9, ये हो जाएगा बेटा आपका 9 5 45, 4 6 47, 48, एक हमने यहां पर कैंसिलेशन थोड़ी शायद गलत की, ये कितना है 2 5 2 0 अपॉन कितना है 45, पहले 5 9 45, 5 4 5, हम क्यों कर रहे हैं 5 4 20, हम करेंगे इसके 5 5 25 और 5 0 0, 5 4 5 4 20, अब हो गया ये 9 1 9, ये हो जाएगा आपका 9 5 40 5 और 54, 9 6 54, इसका मतलब है तीसरा वाला पर्सन जो है वो पूरे 56 स्टेप्स में इस वाली डिस्टेंस को कवर कर रहा है, यानी कंप्लीट स्टेप्स आ गए, अब आता कोई आधा आधा पड़ गया, और फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस जो है तीनों कवर कर लेंगे, कि मतलब सो दैट के दे कवर द सेम डिस्टेंस इन द कंप्लीट स्टेप्स, वो कौन सी वाली डिस्टेंस है, दैट इज 2520 सेंटीमीटर कंप्लीट डिस्टेंस, कंप्लीट डिस्टेंस जो डिस्टेंस कवर कर रहे इन द कंप्लीट स्टेप्स, और ये कौन सी वाली डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस। तो आई होप कि बेटा आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया हुआ होगा, एंड जैसे कि हमेशा फिर लास्ट में बोलता हूं, डू लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम, इंशाल्लाह मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ, टिल देन अस्सलाम वालेकुम।